हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग डॉल्फिन। और मेरा नाम है आत्मिकी। और ये देखो मेरी मेहंदी का कलर कितना डार्क है, बढ़िया सा। सो दो या तीन दिन में मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, इसलिए फटाफट सारी तैयारी करने में लगी पड़ी हूँ, जिसमें आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरी सारी तैयारी भी देखेंगे, क्योंकि उसमें लोगों को इंटरेस्ट भी आता है क्या लेके जा रही है अपने झोले में। तो अभी आने वाले हैं RT-PCR वाले भैया कलेक्शन के लिए, तो वहां से हम शुरू करेंगे। और बाकी फिर तीन दिन का सारा सारा देखते हैं, एक व्लॉग बनेगा या दो पार्ट्स में बनाऊंगा। और गाइस ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, नहीं और ज्यादा ही मुझे यहाँ पसीने आ रहे थे, ये मेहंदी से पता चल गया। अगर ये वाला व्लॉग आपने नहीं देखा है तो ऊपर देख लेना। चलो फिर अब भैया आ गए हैं RT-PCR के लिए, और ये इन्होंने फॉर्म दिया है भरने का, नोएडा से ही आ रहे हैं 31 से। पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा, जापान में खुद ही कर रहे थे, है ना, जापान इज कॉलिंग मी नाउ। तो ये हो गया है मेरा डन। कैसा लग रहा है पापा, मैं जाने वाली हूँ। अच्छा तो नहीं रहेगा। अच्छा, मुझे लगा बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। और तब से इधर उधर घूम रहे, सुबह से न्यूज देख रहे, मेरे को सुनाई दे रहे, तो मैं भी फिर अपना काम कर रही थी। कब आएंगे पापा आप जापान? मम्मी को जो छुट्टी मिलेगी मैं तो खाली हूँ। पासपोर्ट नहीं है, 2.5 साल हो गए मुझे बोल रहे हैं। पासपोर्ट इनके पास था, 10 साल हो गया पासपोर्ट रखे रखे, मैंने बोला रिन्यू करा ली, कह रहे ऐसे हो जाएगा ऐसे। हाँ तो देखो मम्मी भी आ रही है। सो गाइस, मम्मी पापा तो बहुत लंबा ज्ञान दे दिए अभी, ठीक है मम्मी दे दी, पापा तो बैठ के मुस्कुरा रहे थे। सुबह के उठे हुए हैं हम सब लोग और फटाफट सारा काम निपटाने में लगे पड़े हैं। और मैं कटहल लेके आ गई थी, तो मम्मी कटहल बना रही हैं, क्योंकि जाने से पहले एक बार कटहल और खा लूं, क्योंकि वहाँ पे कटहल नहीं मिलता है। हम ही लोग हैं कि हर एक फल को ना सब्जी में भी खा सकते हैं, हालांकि वहाँ पे कटहल जो है फल के जैसे खाते हैं, जैसे साउथ में यहाँ पे खाते हैं। 6.5 hours later इंडिया से ना कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लिया, इसलिए आ गए हम लोग DLF मॉल। लास्ट मिनट में भी फिर से थोड़ा सा, मतलब मैंने एक ड्रेस ले ली और मैंने ना मुझे कुछ सूटकेस भी ले लिया, क्योंकि जो मैं सूटकेस लेके आई थी तब तो वो गिफ्टिंग के लिए था और उसके हैंडल में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। बट अब मैंने सोचा कि नहीं यार, बेटर है कि थोड़ा प्रॉपर वो ले लें। मम्मी पीछे साथ साथ चल रही हैं, पापा इधर मेरा सूटकेस पकड़ के जा रहे हैं और मेरे हाथ में शॉपिंग बैग है। अब जा रहे हैं फटाफट मिठाई खरीदने के लिए, हीरा स्वीट्स। गाइस ये तो मलाई घेवर भी है यहाँ पे, मैं मलाई घेवर खा सकती हूँ, लेके भी जा सकती हूँ। माय गॉड, ये यहाँ पे भी मिठाइयाँ हैं। अब तो मैं आई लव एवरीथिंग, मुझे सब मिठाइयाँ पसंद है। बट यार घेवर आ गए हैं, यम्मी, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है इसको देख के। तो ये देखो, माय गॉड, बहुत मोटी हो गई हूँ, ठीक है, इंडिया आके बहुत ही बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो एक और खाने में कुछ नहीं चाहता। तो ये सब सामान है और ये सारे आर्यन कपड़े हैं, यहाँ पे धोबी की फैसिलिटी है तो क्यों नहीं। और ये शर्ट्स वगैरह हैं, एक दो टॉप है, ये पजामी वगैरह है और यू नो बॉटम वेयर है। ये मेरा लैपटॉप का बैग है। ये दो कुर्ते मैं लेके आई हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए जापान में, ये वाला और ये वाला, तो ये मैं उनको गिफ्ट दूंगी। प्लस उन्होंने बहुत सारी बिंदियां मंगाई हैं। घर देखो मेरा ऐसे बिखरा बिखरा सा है, इधर भी कपड़े रखे हुए हैं, इसमें भी रखा है, खाने पीने का सामान है। चप्पलें वगैरह मैं मॉर्निंग में रखूंगी, एक तो एक बैग ये लेके जा रही हूँ, एक बैग ये लेके जा रही हूँ। तो ये सब आइटम जो है खाने का है, जो मैं इंडिया से लेके जा रही हूँ।